हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ फूड। और पूजाज किचन में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिश, और वो है फ्रेंच फ्राइज। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, परंतु बहुत ही डिफरेंट तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये पोटैटो यानी आलू लिए हैं, इसको मैंने इस तरह से लंबी शेप में काट के और पानी में कर दिया था। और साथ ही कुछ स्पाइसेस मैं ले रही हूँ इसमें, जिसमें कि नमक है, मिर्च है, और ये है हमारा हल्दी, ये धनिया पाउडर, ऑरिगैनो फ्लेक्स, और साथ में ये मैं ले रही हूँ काली मिर्च और चाट मसाला। इसके साथ ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसन 2 चम्मच, और ये मैंने यहाँ पर दही लिया है, गाढ़ा दही है, घर का जमा हुआ एकदम फ्रेश दही इसमें हमें यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही यहाँ पर फ्राई करने के लिए हम लेंगे ऑयल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो हमने पोटैटो काट के रखे हैं, इन पोटैटो का पानी हमें निकाल देना है बिल्कुल, और इसको छन्नी में करके थोड़ी लगभग 5 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो पानी है वो सारा इसमें से निकल जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिश है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो जब तक हमारे आलू में से पानी निकल रहा है, तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये बाउल लिया है, और इसमें जो हमारा ये गाढ़ा दही है वो डाल दूँगी। साथ ही ये मैंने 2 चम्मच जो बेसन लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। ये बेसन जो है बहुत ही अच्छी बाइंडिंग देगा, इसीलिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और ये बेसन और दही को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए, ज़रा सी भी अगर गांठें रह गई तो हमारी डिश जो है ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसको मिला लिया, और बाकी बचा हुआ जो बेसन है वो भी इसमें हम डाल देंगे इस तरह से। और अब इसमें ऐड करेंगे बाकी जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून हल्दी, साथ ही 1/4 टीस्पून मिर्च, लाल मिर्च, 1/4 से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर, और ये जो ऑर्गेनो लीव्स हमने ली है ये भी हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डालिए, परंतु तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा इससे। और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। और ये सारे जो स्पाइसेस हमने लिए हैं सारे एकदम अच्छे से इनको मिक्स करना है। इसमें नमक जो है हम बाद में डालेंगे, नमक और चाट मसाला लास्ट में डालना है हमें। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, और अभी जो हमारे पोटैटो हैं पानी सूख चुका है इसमें से, तो ये पोटैटो भी इसमें से इसमें डाल देंगे। और इसकी जो है एकदम अच्छे से हमें कोटिंग करनी है पोटैटो पर, ताकि ये सारा जो मसाला है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करना है हमें। ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, ताकि जो सारा मसाला है इसमें अच्छे से ऐड हो जाए। तो देखिए गाइस, जो मसाला था एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है, सारे जो फीलिंग अच्छे से हो गई है। और अब जो है हम इसमें बाकी जो मसाले हमारे रह गए थे, जैसे कि चाट मसाला है, आधा चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ, और क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है तो हम नमक थोड़ा देख के ही डालेंगे।
ये चाट मसाला और नमक जो है इनको भी एकदम अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इसी तरीके से। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए और गरम हो चुका है अच्छे से। तो आप चाहें तो चम्मच से या हाथ से वन बाय वन जो है इस तरह से डालते जाएंगे। अभी डालते समय जो है हमें इसकी फ्लेम तेज ही रखनी है गैस की, इस तरीके से डालना है हमें वन बाय वन जो पोटैटो हमारे। एक बार में आपकी जितने आ जाएं उतने डालिए एकदम अच्छे से। और ये देखिए डाल दिए हैं अच्छे से मैंने, और अब इसको फ्राई होने देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको टच नहीं करेंगे वरना ये जो फैल जाएगा सारा। तो इसको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे ऐसे ही। तो देखिए ये जो दो मिनट बाद है काफ़ी अच्छे से सिक फ्राई हो चुके हैं एक तरफ से। अब इसको दूसरी तरफ से पलटा देंगे। और आपको ध्यान रखना है अब जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम या मीडियम फ्लेम पे कर देना है, ताकि ये जो हमारे फ्रेंच फ्राइज हमने बनाए हैं कुरकुरे हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज बनाए जाएं तो आप इसको लो फ्लेम पे भी बना सकते हैं, परंतु मीडियम फ्लेम जो है उस पे भी अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। तो अब इसको हम कुरकुरे होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छे से कुरकुरे हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये नॉन स्टिक पैन में ये स्टील का बर्तन कैसे, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप धीरे धीरे इसको चलाते हैं तो कोई ख़राब नहीं होगा आपका पैन, क्योंकि ज़्यादातर जो है नॉन स्टिक वाले ये हमें इस तरह से झारे नहीं मिलते। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कुरकुरा हो गया है एकदम। तो अब इसको हम प्लेट में टर्न कर लेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है झाड़ देंगे और प्लेट में इसको टर्न कर लेंगे। इसी तरह से आप चाहें तो पनीर की भी लंबे लंबे स्लाइसेस काट के इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्नैक बन के तैयार होगा, इवनिंग या मॉर्निंग के हिसाब से आप कभी भी बच्चों को ये दे सकते हैं। और बाकी के जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो भी इसमें डाल देंगे। अभी हमें फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि अभी गरम तेल में अगर हम डालेंगे तो ये जल जाएगा। तो फ्लेम एकदम लो रखते हुए इसमें डालते जाएंगे वन बाय वन। ये देखिए इस तरह से। और अगर आपका बैटर थोड़ा सा बच जाता है तो आप इसको कढ़ी वगैरह बनाने में काम ले सकते हैं, या आप अगर कोई सब्जी ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ग्रेवी वाली सब्जी किस तरह से बनाई जाए। तो इस तरह से वन बाय वन हम डाल देंगे। और अब ये जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम करके और इसको फ्राई होने देंगे। तो देखिए गाइस जो बाकी के हमारे फ्रेंच फ्राइज थे वो भी एकदम अच्छे से काफ़ी हद तक कुरकुरे हो चुके हैं। इसे लगभग दो मिनट और हम फ्राई करेंगे कुरकुरे होने तक। तो ये देखिए कुरकुरे हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कुरकुरे नहीं हुए हैं तो इस तरह से ऑयल डाल के आप कुरकुरा इसको कर सकते हैं। ये अच्छे से सिक चुके हैं एकदम। अब इसको टर्न कर लेंगे प्लेट में, गैस ऑफ कर रही हूँ मैं, और जो हमारे बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी हम इसमें टर्न कर लेंगे। इस तरह से आप अगर फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे, और जो हम पनीर टिक्का वगैरह खाते हैं वैसा ही इसमें टेस्ट आपको लगेगा बिल्कुल। तो हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार है सर्विंग के लिए।
तो ये देखिए तैयार है फ्रेंच फ्राइज, और आज इसे मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ। ये भी मैंने होममेड बनाई है और इसके भी मैं वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें। तो तैयार है आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी और बिल्कुल डिफरेंट फ्रेंच फ्राइज। एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके फ्रेंच फ्राइज कैसे बने। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।